हेलो एवरीवन। सो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको एसबीआई का जो है कि इंस्टा अकाउंट ओपन करके दिखाया था। दोस्तों, आपको इसमें अकाउंट को किस तरह से ओपन करना है दोस्तों, वो वीडियो का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एसबीआई का आप अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हो। सो गाइस, उस वीडियो का लिंक जो है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में देख के रखा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई में किस तरह से आप जो कि पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हो। नो कॉस्ट है इसमें जो है कि आपको जीरो कॉस्ट में आप यहां पे लोन को अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पे आपको कोई भी गारंटेड की जरूरत नहीं, आप जो है कि खुद से ही ये लोन को अप्लाई कर सकते हो घर बैठे, और 45 मिनट के अंदर में ये लोन जो है कि आपके बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस लोन को आपको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या इसका एलिजिबिलिटी है, क्या इसका फीचर है, क्या इसका ईएमआई कॉस्ट चार्ज है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि वो लोगों को भी ये नॉलेज मिल पाए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिरजू कुमार, आप देख रहे हैं टेक हिंदी विद बिरजू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्ले स्टोर से यहाँ पे आपको जो है कि योनो एप्लीकेशन को जो है कि डाउनलोड करके यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा, चलिए मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सो ओपन करने के बाद यहाँ पर ये कुछ लोडिंग लेगा, चलिए मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ इसे लोडिंग होने का। सो यहाँ पे ये कुछ लोडिंग ले रहा है, तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। यहाँ पे इसलिए लोडिंग ले रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा जो नेट है काफ़ी स्लो चल रहा है, काफ़ी धीरे चल रहा है मेरा इंटरनेट यहाँ पे। सो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एम पिन जो है कि इंटर कर देना है। तो जो भी आपका एम पिन हो वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। सो मैंने यहाँ पे अपना एम पिन जो है कि इंटर कर दिया है, और यहाँ पे मेरा इंटरनेट बैंकिंग जो है कि स्टार्ट हो चुका है। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो है कि यहाँ पे मेरा योनो एप्लीकेशन जो है कि लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ से आप जो है कि इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड फिल करके भी आप इसे लॉगिन कर सकते हो इस एप्लीकेशन को, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे लॉगिन करने के बाद। योनो अकाउंट, यहाँ पे योनो पे, योनो कैश और योनो लोन का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे यदि आपको लोन का ऑप्शन नहीं दिखता, तो यहाँ पे आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक लोन्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट एफडी लोन, यहाँ पे एडुकेशनल लोन, गोल्ड लोन। तो यहाँ से आपको जो है कि मैं आपको पर्सनल लोन के बारे में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे पर्सनल लोन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑल वाले प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। पर्सनल लोन जो वो होता है जो आप पर्सनली के लिए जो है कि आप लोन ले सकते हो, जो कि आप कहीं भी कोई भी सामान की जरूरत हो या फिर कोई भी चीज़ की अपनी शौक की जरूरत हो और आप उसे पूरा करना चाहते हो, तो यहाँ से आप जो है कि पर्सनल लोन ले सकते हो। तो इसके लिए आपको यहां पे ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको होम लोन, कार लोन, एजुकेशनल लोन, और यहां पे आपको जो कि सबसे बेस्ट दिख रहा है यहां पे एक्सप्रेस क्रेडिट लोन। ये जो है कि आपको 45 मिनट में आपको इंस्टेंटली लोन जो है कि आपको दे दिया जाता है, आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ही भेज दिया जाता है ये लोन। तो यहां पे आपको क्लिक करना है। सो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। सो यहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और यदि आप इसका डिटेल वगैरह जानना चाहते हो, कैसे लोन को चुकता करना है, कितना महीने बाद कितना पैसे आपको देना होगा, रिपेमेंट करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे आपको नो मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। यहाँ पे आप जो है कि एसबीआई का कस्टमर होना चाहिए, यानी कि आपका एसबीआई में जो है कि सैलरी अकाउंट होना चाहिए, और आप जो है कि एक एम्प्लॉयमेंट यानी कि आप जो है कि यहाँ पे एक एम्प्लॉयर होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल स्टेट का या फिर गवर्नमेंट स्टेट का। यानी कि आप जो है कि प्राइवेट जॉब करते हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, तो आपका जो है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जो है कि कोई भी एम्प्लॉयर होना चाहिए, या फिर प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। और यहाँ पे आपको जो है कि आपका सैलरी कम से कम जो है कि 5,000 होना चाहिए। तो ये है इसका एलिजिबिलिटी। और बात करें इसके फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको जो है कि इसका फीचर जो है कि यहाँ पे आप 15 लाख का लोन ले सकते हो यहाँ पे, और 5 महीने का यहाँ पे आपको 5 साल का टाइम दिया जा रहा है लोन रिपेमेंट करने का, यानी कि इसे चुकता करने का यहाँ पे आपको 5 ईयर्स
टाइम दिया जा रहा है 5 ईयर्स टाइम। यहाँ पे आप यदि 15 लाख लेते हो तो 5 ईयर्स टाइम यहाँ पे आपको मिल जाते हैं लोन रिपेमेंट करने का। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है कि 0.5% का यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे आप इसे रीड वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है कि किसी भी प्रकार का जो है कि आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको जो है कि कोई भी प्रूफ देना पड़ता है, या फिर प्रॉपर्टी पेपर या फिर आपको जमीन का पेपर जो है कि वहां पे देना पड़ता है। और दोस्तों इसके लिए आपको कोई भी गारंटेड जो है कि देने की जरूरत नहीं है। यदि आप जो जो कि बैंक में लोन लेते हो वहां पे जाके, तो वहां पे आपको जो है कि कोई ना कोई एक गारंटेड जो है कि वहां पे आपको देना पड़ता है। यदि आप जो है कि लोन नहीं दे पाते हो, यदि आप कहीं भाग जाते हो, तो वो लोन जो है कि आपके गारंटेड से जो है कि चुकता करेंगे। तो यहां पे आपको जो है कि कोई भी गारंटेड की जरूरत नहीं है, या आप जो है कि यहां से इजीली लोन को अप्लाई कर सकते हो घर बैठे। दोस्तों इसके लिए अब बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पे आप जो है कि डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आप जो है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से जो भी चाहो यहाँ पे आप दे सकते हो। यहाँ पे आपको 3 मंथ का सैलरी स्लिप देना होगा, और यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर स्लिप है, सॉरी यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर फॉर्म है, ये ऑफिशियल है, इसे देने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि आपका पास एम्प्लॉयर फॉर्म नहीं है तो भी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको जो है कि 3 मंथ का यहाँ पे सैलरी स्लिप देना होगा। और डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बता ही दिया है। यदि बात करें इसका इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टर्म लोन में आपको जो है कि मिनिमम यहाँ पे 11.65% का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मिनिमम इसका जो है कि 14.65% का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरड्राफ्ट का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं मिनिमम 12.15% का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका मैक्सिमम 15.15% का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अब बात करें इसका EMI कैलकुलेट की। यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोग कमेंट करके बाद में पूछेंगे कि भाई मैं 20,000 लोन लेऊंगा तो यहाँ पे मेरा EMI कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है कि इसे कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे आप 2,28,000 लोन लिए हो, और यहाँ पे आपको जो है कि 60 महीने में जो है कि यहाँ पे आपको लोन को चुकता करने का समय दिया गया होगा। यहाँ पे इसका प्रोसेसिंग फीस आपको बताया गया है 2,280 रुपया। यहाँ पे इसका इंटरेस्ट रेट देख सकते हो 7.80% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, यहाँ पे आपसे लिया जाएगा। और यहाँ पे आप इसका EMI देख सकते हैं, यहाँ पे 4,601.23 होगा। तो यहाँ पे आप अपना EMI चेक कर सकते हो। आप जिस हिसाब से यहाँ पे आप लोन लेना चाहते हो, तो इस हिसाब से अपना EMI यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इस लोन को आपको अप्लाई किस तरह से करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कि अप्लाई करने के लिए आपको एक SMS करनी है। तो सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी आपको चेक कर लेना है SMS करके। तो वो आपको किस तरह से करना है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको बैंक वाले रजिस्टर मोबाइल के थ्रू यहाँ पे आपको जो है कि एक SMS करना है। SMS में आपको टाइप करना है PAPL, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है और इस वाले नंबर पे आपको सेंड कर देना है। तो यहाँ पे आपको SMS करना है 567676। यदि आप इस पे इलिजिबल हो तो यहाँ पे आपको SMS में बता दिया जाएगा कि आप इसके लिए इलिजिबल हो, और आप जो है कि इंस्टेंटली आप इसमें आपको जो है कि लोन दे दिया जाएगा। 45 मिनट में आपके अकाउंट में डायरेक्टली आपको भेज दिया जाएगा। और यदि इसके लिए आप इलिजिबल नहीं है तो आपको SMS में कुछ रिप्लाई जरूर आएंगे। तो इस तरह से आप जो है कि लोन को अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको फिर से यूनो एप्लीकेशन में जाना है। तो गाइज यहाँ पे आपको फिर से आ जाना है यूनो एप्लीकेशन में। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको जो है कि अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएंगे, यदि आप इसमें इलिजिबल हो तो। और यदि आप इलिजिबल नहीं हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉरी यू आर नॉट इलिजिबल फॉर एक्सप्रेस क्रेडिट। तो यानी कि मैं इसके लिए इलिजिबल नहीं हूँ, तो यहाँ से आपको जो कि एक बार SMS में चेक कर लेना है कि आप इसके लिए इलिजिबल हो या फिर नहीं। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको इस लोन का सारा प्रोसेस जो है कि बता दिया है, ये लोन किन किन को लोगों को मिलेंगे और किन को किन को नहीं मिलेंगे, ये सारा कुछ जो है कि मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।